कहाँ हो गया? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो हम क्या करवा सकते हैं? एनसीसीटी करवा सकते हैं, एमआरआई ब्रेन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? एमआरआई ब्रेन। एमआरआई ये टेस्ट तो साथ में करवाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट जो ब्रेन के लिए होता है, एक होता है सीएसएफ। क्या होता है सीएसएफ? सीएसएफ क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें हम चेक करते हैं प्रोटीन्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लूकोज सेल्स, एबनॉर्मल और नॉर्मल सेल्स, ठीक है। इसके अलावा एडीए, और इसका हम कल्चर भी भिजवाते हैं। क्या भिजवाते हैं? कल्चर। कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो ये चीजें हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती ब्रेन की। तो आईटीस में जब भी हो गया, अब जैसे मैं बात करूँ पेनक्रियास की, किसकी बात करें? पेनक्रियास। पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे? बोलो, पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलेंगे? सीरम, अमाइलेज, यूएसजी, एब्डोमेन पेल्विस करवाएंगे, ठीक है। हम उसके बाद अगर ये चीजें ठीक हैं तो हम सीईसीटी करवाएंगे। सीईसीटी एब्डोमेन पेल्विस, जिसे हमें एग्जैक्ट पता चलता है पेनक्रियास के अंदर क्या प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं सीटी सीवियरिटी इंडेक्स, सीटीएसआई, सीटी सीवियरिटी इंडेक्स, सीटीएसआई। ये स्कोर होता है लेस देन 4, लेस देन 6, लेस देन 10, ये स्कोर होता है सीटीसीआई। इसके बारे में एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल केयर में। तो इसके साथ साथ सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर, आरबीएस, क्रिएटिनिन, ये तो हो गए रूटीन के टेस्ट। साथ में हमने ऑर्गन स्पेसिफिक करवाए, ऑर्गन के स्पेसिफिक। अब स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या करवाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर के बारे में हमें करवाना पड़ेगा हमारा अल्ट्रासाउंड। क्या करवाना पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड। और ज्यादा जानने के लिए हमें करवाना पड़ेगा सीईसीटी। सीईसीटी का क्या मतलब और एनसी का क्या मतलब है? एनसी और सीईसीटी, एनसी का मतलब है नॉन कॉन्ट्रास्ट, सी का मतलब है कॉन्ट्रास्ट अनहेंस्ड, कॉन्ट्रास्ट के साथ। क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट के साथ। तो नॉन सीटी जो होता है, इसमें कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता, प्लेन सीटी बोलते हैं इसको। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम देते हैं कॉन्ट्रास्ट, ओरल भी देते हैं, आईवी भी देते हैं, रेक्टल, तीन तरह का कॉन्ट्रास्ट होता है, क्लियर हो गया? ट्रिपल कॉन्ट्रास्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है। तो ये हो गया हमारा आईटीस से संबंधित, ठीक है। अब कई जगह लिखा आ जाता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्या आ गया? ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो आईटीस लग गया। ऑस्टियोमाइलाइटिस का क्या मतलब है? अब यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब है ऑस्टिया। ऑस्टिया मतलब बोन। बोन, बोन के अंदर एक हमारी बोन मैरो होती है, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन के अंदर मैरो जो होती है, तो उसके इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिजीजेस हैं, जिसमें आईटीस लग रहे हैं। तो अगर हम ब्रेन से ऊपर से याद करें तो मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, ओके, ओटाइटिस कान की, आई की कंजेक्टिवाइटिस, माउथ की स्टोमेटाइटिस, ओके, हार्ट की पेरिकार्डाइटिस, ओके, प्लूराइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, नेफ्राइटिस, लीवर की हेपेटाइटिस, स्क्रोटम की ऑर्काइटिस, ओके, रेक्टम की इन्फ्लेमेशन अलग होती है, उसके बाद बोन की हमारी होगी ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ये डिफरेंट चीजें हमें पता चलती हैं जानने से, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीटी स्कैन के बारे में, जो कॉन्ट्रास्ट और नॉन कॉन्ट्रास्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास में। कॉन्ट्रास्ट और नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन में क्या डिफरेंस होता है, और वो करवाने से पहले, टेस्ट करवाने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस। आईटी समझ में आ गया? इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी प्रकार का? ये चार चीजें आपको याद रखनी, रूबर, डोलो, कैलोर, ट्यूमर, फंक्शनल लिस्ट, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी। So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills. We teach you the best skills. Okay, जहाँ पे आपको extensive training दी जाती है, practical और theoretical exposure की, जिससे आप well versed होते हैं patient को deal करने। Thank you very much.